भारत के विशाल पठार का भौगोलिक अध्ययन। इस विशाल पठार को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। पहला मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में है। इसके उत्तर पश्चिमी छोर में अरावली पर्वत है। विंध्याचल श्रेणी एवं अरावली के मध्य में मालवा का पठार, उत्तर में बुंदेलखंड का पठार, पूर्व में बघेलखंड तथा सुदूर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। सामान्यतः इस उच्च भूमि का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, जो प्रमुख नदियों चंबल, बेतवा, सोन के बहाव की दिशा से भी ज्ञात होता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि के उपर्युक्त वर्णित विभागों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे मालवा की मिट्टी काली है, इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं। बुंदेलखंड का धरातल अधिक ऊबड़ खाबड़ है। बघेलखंड क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ियों से घिरा है। इसके बड़े भाग पर विंध्याचल तथा कैमूर श्रेणियों का विस्तार है। यही स्थिति छोटा नागपुर के पठार की है। इसके उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग और दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ियाँ हैं। दूसरा दक्कन का पठार। इस पठार का विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिणी तट से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट से पूर्व में पूर्वी घाट तक है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य पूर्णतः या अंशतः आते हैं। इस त्रिभुज की एक भुजा जो पूर्वी घाट से होकर गुजरती है, नीलगिरी से राजमहल पहाड़ी को जोड़ती है। दूसरी भुजा पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। तीसरी भुजा सह्याद्री पर्वत श्रेणी है, जिसे पश्चिम में स्थित होने के कारण पश्चिमी घाट भी कहते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रेणी में कहीं कहीं ऊंचाई कम है। ऐसे कम ऊंचे व चौड़े भाग को घाट के नाम से जानते हैं। इन घाटों से पठारी तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होता है। उत्तर से दक्षिण क्रमशः थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट, ऐसे 3 प्रसिद्ध घाट हैं। पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर महानदी की घाटी से नीलगिरी की पहाड़ी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल गए हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी आदि नदियाँ पूर्वी घाट को काटकर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ये उपजाऊ डेल्टाई मैदानों की रचना करती हैं। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ के बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस बेसिन का ढाल पूर्व की ओर है। यह महानदी जल प्रवाह क्षेत्र में आता है। नदियों ने इस पर उपजाऊ मिट्टी बिछाई है। इसका उत्तरी व उत्तर पूर्वी भाग पठारी है, जिसे स्थानीय रूप से जशपुर का पठार, धर्मजयगढ़ का पठार, रायगढ़ का पठार के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भाग में छुरी की पहाड़ी एवं पश्चिमी भाग में मैकाल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। इस बेसिन के दक्षिण में बस्तर की उच्च भूमि है, जिसे दंडकारण्य कहते हैं। यह बेलाडीला व दल्लीराजहरा क्षेत्र उच्च किस्म के लौह अयस्क से भरा है। चूना पत्थर तथा डोलोमाइट पत्थरों की भी प्रचुरता है। यह क्षेत्र भूगर्भिक गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कुटुम्बसर गुफा, कैलाश गुफा, दंडक गुफा यही है। इस क्षेत्र में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय पठार राजमहल की पहाड़ियों पर ही समाप्त नहीं होता है। इसका एक भाग उत्तर पूर्व में भी फैला है। स्थानीय रूप से यह शिलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। इस पठार को मुख्य पठार से जोड़ने वाली चट्टाने गंगा के जलोढ़ से ढकी हुई है। मेघालय में पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ गारो, खासी तथा जयंतिया हैं, जिस पर स्थित मासिनराम
विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। दक्कन ट्रैप पश्चिमी घाट के पूर्व में दरारी उद्गार से निकले लावा से बना क्षेत्र दक्कन लावा ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार 51,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर है। इसी पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें कई खनिज पाए जाते हैं जो भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक हैं और कृषि के लिए जरूरी हैं। दक्षिणी पठार के 3 स्वर्ण खदान क्षेत्र, पहला कोलार स्वर्ण क्षेत्र कर्नाटक, दूसरा हट्टी स्वर्ण क्षेत्र कर्नाटक, तीसरा रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र आंध्र प्रदेश। भारत का 90% खनिज पदार्थ, 60% कपास, 70% सूती वस्त्र, चीनी का लगभग 65% उत्पादन पठारी भागों में ही होता है। प्रायद्वीपीय औद्योगिक समूह, पहला दामोदर घाटी औद्योगिक समूह, दूसरा बेंगलुरु कोयंबटूर मदुरई औद्योगिक समूह। पठार में खनिज संपदा और उत्खनन। भारत का पठार प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ उत्खनन और कई उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि के विशाल भंडार हैं। यह कहा जा सकता है कि भारत का अधिकतर खनिज पठारी प्रदेश से ही प्राप्त होता है। झारखंड के धनबाद जिले में कोयले की प्रमुख खदान है जिसे झरिया कोयला क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार है। जमीन के अंदर से कोयला निकालने के लिए सुरंगें बनाई गई हैं। यहाँ सैकड़ों मजदूर स्टील की टोपी पहने कोयला निकालने का काम करते हैं। सुरंग की छत को गिरने से रोकने के लिए लकड़ी और लोहे के खंभे और बीम लगाए जाते हैं। कोयला चट्टान की तरह कठोर होता है और उसे निकालने के लिए बारूद से तोड़ा जाता है और फिर टोकरियों में भरकर ट्रॉली के डिब्बों में भरा जाता है। ये ट्रॉलियाँ पटरी पर चलती हैं और इन्हें शाफ्ट के रास्ते लोहे की चेन से खींचकर बाहर लाया जाता है। यहाँ से कोयले को धुलाई के लिए वॉशरी में ले जाया जाता है। कोयले के अलावा और भी खनिजों का प्रायद्वीपीय पठार में उत्खनन होता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और चूना पत्थर। इस तरह धातुओं पर आधारित उद्योगों के लिए भारत के पठारी प्रदेश में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उद्योग चलाने के लिए बिजली चाहिए। बिजली बनाने के लिए कोयला यहाँ आसानी से प्राप्त होता है। यहाँ कोयले पर आधारित कई ताप बिजली घरों की स्थापना हुई है। साथ ही यहाँ बड़े बांधों से पन बिजली का भी उत्पादन होता है।